टू दिस सेशन जहाँ आज अपन टेस्ट फोर्टी फाइव एंड टी अभ्यास वाला सोल्व कर रहे हैं तो देखिए अभी मैंने रियल टाइम सोल्व किया है एंड द एलिसिज इन ईजी मीडियम टफ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन ना लुक एट दिस इस क्वेश्चन पहली बार पेपर मैंने ट्वेंटी फोर क्वेश्चन को ईजी मार्क किया एटीन को मीडियम एंड थ्री क्वेश्चन आर टफ कुछ मीडियम इवन ईजी में और जा सकते थे तो ये पेपर ओवरऑल थोड़ा इजी लाइटर साइड पर है एक क्वेश्चन 42 मेरे हिसाब से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है और क्वेश्चन 10 में भी वो जो कहना चाह रहा है और जो आंसर दिया उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी मुझे लगी है ठीक है बाकी सारे क्वेश्चन ओके हैं तो क्योंकि ये पेपर थोड़ा ईजियर साइड पर है तो यहाँ मैं गुड स्कोर बोलूँगा आपके लिए ऑलमोस्ट 135 प्लस होना चाहिए इस पेपर में तो नंबर आने ही चाहिए यार और वेरी गुड स्कोर तो यहाँ 160 प्लस टाइप ही जाएगा ये फोड़ने वाला पेपर है यहाँ तगड़े से आप नंबर ला सकते हो ज़्यादा परेशान भी नहीं कर रहा ठीक है कैलकुलेशन कई जगह बट इतनी भी नहीं है अभी तक जो पेपर्स देखे हैं उनकी तुलना में ये नॉर्मली थोड़ा कन्वीनियंट ईजी आपके लिए है बहुत सारे सीधे क्वेश्चन भी हैं जो सीधे टिक मारेंगे आप तो दैट इज़ द एनालिसिस ऑफ दिस पेपर बाकी कल का अपडेट आपको पता ही है एच मिनिस्टर ने एक कमेटी फॉर्म की है जो आज शायद शाम तक रिपोर्ट देगी और एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज या कल आपका वो सूचना आ जाएगी कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा अभी ये बहुत लंबा पोस्टपोन होने की मुझे तो फीलिंग आ रही है लेट्स सी वॉट हैपन्स टू इट वुड बी टफ डेज फॉर यू बट कीप यूइंग द चैनल आई विल बी कमिंग अप विद समथिंग गुड फॉर यू जैसे कल रात में मैंने एक्स रेज का एक रिविजन वीडियो डाला है तो नीट वाले स्टूडेंट जरूर उसको देखें क्योंकि मोस्टली एक्स रेज पढ़ाया नहीं जाता है अधिकतर इंस्टीट्यूट्स में बायो वाले स्टूडेंट्स को तो उसका एक पार्ट मैंने डाला है उसे देखिए आप लोगों के कमेंट्स कैसे आते हैं उसके बेसिस पर एल डिसाइड आगे क्या डालना है या नहीं डालना है चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन देखते हैं आज टेस्ट फोर्टी में क्या गिवन है रेशो ऑफ़ द वेवलेंथ फॉर टू टू वन ट्रांजिशन इन लीथियम टू प्लस हीलियम प्लस एंड हाइड्रोजनस यार आपको पता है जो भी टू टू वन ट्रांजिशन की एनर्जी डेल्टा ई होगा ये आपको पता है किस तरह का आएगा आर एच सी इन टू जेड स्क्वायर इं टू वन बाय वन स्क्वायर माइनस वन बाय टू स्क्वायर तो ये जो एनर्जी है डायरेक्टली जेड स्क्वायर पर डिपेंड करेगी और एनर्जी आपको पता है कि ये जो एनर्जी होती है वेव के इन्वर्स होगी तो यहाँ से आपको समझ आ रहा है लमडा का रेशो इन्वर्स टू जेड स्क्वायर होगा तो अब तो इसके बाद कोई समस्या ही नहीं है तो वन बाय नाइन वन बाय टू स्क्वायर वन बाय फोर वन तो ऑप्शन बी के साथ जाइए इजी क्वेश्चन है चलिए नेक्स्ट एक अल्फ़ा पार्टिकल है प्रोटोन है दोनों को एक्सलरेट रेस्ट से किया है सौ वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से आफ्टर दिस डी ब्रोगली विवलिन थियरी तो इसका रेशियो नियरेस्ट इंटीजर में क्या होगा तो भाई लैमडा का फॉर्मूला याद है यार आपको क्या लिखते हैं एच बाय पी और पी को अगर आप लिखते थे तो रूट टू एम के और के को लिखोगे क्यू वी अब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है एच सेम है तो ये जो लैमडा का रेशो है ये आपको पता है कि इस पर डिपेंड करेगा वन बाई रूट एम क्यू तो लैमडा अल्फ़ा टू लैमडा प्रोटोन तो प्रोटोन का ऊपर आ जाएगा तो लिख देंगे एम पी इन टू चार्ज उसका ई अल्फ़ा का लगभग चार टाइम्स मास होता है और चार्ज होता है टू टाइम्स तो ये रेशो आ रहा है वन इज़ टू रूट एट तो उल्टा अगर करना है लेमडा पी एस टू लैमडा अल्फ़ा पूछा था सॉरी तो ये हो जाएगा रूट एट रूट एट का मतलब आपको पता है टू रूट टू 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 मतलब टू इंटू वन पॉइंट फोर वन दिस कम्स आउट अराउंड एज टू पॉइंट एट टू तो नियरेस्ट इंटीजियर बोला था एल्गो फॉर थ्री तो ईजी क्वेश्चन है ये भी कर सकते हो कोई तकलीफ नहीं है नेक्स्ट पढ़ते हैं दो होमोजीनियस फीयर है ए और बी एक का मास हैम एक का टू एम रेडियस गिवन है द डिस्टेंस ऑफ द सी एम ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ द ए आराम से देखो दोनों होमोजीनियस है पहला है और ये दूसरा है ऐसा है इसका मास m है इसका मास 2m है इसका रेडियस 2a है इसका रेडियस a है ये इसका सेंटर C1, ये C2 अब सी एम जहाँ भी होगा मतलब जहाँ पे भी आएगा मुझे उसका डिस्टेंस निकालना है जो भी होगा मुझे गेस कर रहा है लेट से यहाँ पे तो सी एम का क्या लिखेंगे बेटा सबसे पहले इसके रिस्पेक्ट में इसके रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस आपको दिख रहा है कितना हो गया थ्री ए सो दैट इज़ टू एम इन टू थ्री ए यही डिस्टेंस हो गया खुद का तो ज़ीरो हो गया प्लस जीरो अपॉन ऑन एम प्लस टू एम विच इज़ थ्री और थ्री मैं कैंसिल कर दूँ एम और एम कैंसिल कर दूँ तो सीधा आंसर आ गया टू ऑप्शन बी के साथ जाएंगे तो ईजी क्वेश्चन है ये भी कोई तकलीफ आपको नहीं दे रहा चलिए अगला क्या कहता है तीन आइडेंटिकल स्फीयर्स हैं रेस्ट पे अलोंग अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस सेपरेशन बिटवीन एनी टू एडजस्टेंट स्फीयर्स इज़ एल फर्स्ट स्फियर गोज़ विद स्पीड यू टू वर्ड्स अ एट इक्वल टू जीरो कोफिशेंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज़ वन बाई थ्री बिटवीन एनी टू द करेक्ट स्टेटमेंट इज़ ओ भाई साहब देखिए सबसे पहले तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे द स्पीड ऑफ द सीएम ऑफ द सिस्टम विल हैव अ फाइनल स्पीड टू यू या यू ये तो नहीं होगी ये तो दिख रहा है मुझे किसी भी हालत में तो ऑप्शन तो नहीं होंगे अब तो टाइम पे ही चलें तो अब टाइम पे चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन ये पहला स्फीयर था ये दूसरा स्फीयर था तो ये जा रहा था कितनी स्पीड से यू स्पीड से जा रहा है गैप एल है तो पहले तो यहाँ पर जब ये भिड़ेगा फर्स्ट जो कोलिजन होगा इसका टाइम मुझे समझ आ गया कितना होगा एल बाई यू अब टक्कर के बाद क्या होगा अपने को लॉजिक पता है कि कोफ़िशंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वन बाय थ्री है तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए क्या है आइडेंटिकल स्फीयर है आइडेंटिकल स्फीयर का मतलब लेट्स से अगर मैं इसकी वेलोसिटी वी वन मानूँ तो एम वी वन बाद में प्लस एम वी टू देट वुड बी इक्वल टू एम टाइम्स यू तो पहली चीज़ तो क्या आ रही है वी वन प्लस वी टू की वैल्यू आएगी यू दूसरा क्या आएगा फाइनल स्पीड सेपरेशन की वी टू माइनस वी वन होगी विच इज़ ई टाइम्स यू तो ई e की वैल्यू वन बाय थ्री है तो यहाँ से वी टू माइनस वी वन इज़ यू बाई थ्री तो अब इन दोनों इक्वेशन को मैं सिंप्लीफाई करूँ तो वी टू की वैल्यू यहाँ से अगर मैं सिम्प्लीफाई करूँगा तो टू वी टू एड करने पे क्या आ जाएगा फोर यू बाई थ्री तो वी टू की वैल्यू यहाँ से आ गई टू यू बाई थ्री ठीक है तो अब ये टू यू बाई थ्री आई तो अब ये जो स्फीयर है ये टू यू बाई थ्री से चल रहा है आगे वाला स्फीयर फिर इससे कितने डिस्टेंस पे है आपको पता है एल डिस्टेंस पे तो ये जो टाइम होगा इसका ये टाइम कितना होगा अब डिस्टेंस कितना बचा ऑफिस एल और ये टाइम हो जाएगा एल अपॉन टू यू बाई थ्री विच इज़ थ्री एल बाई टू यू तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो थर्ड स्फीयर पर टक्कर लगेगी उसके बाद ही चलेगा तो टोटल टाइम गैप कितना हो जाएगा दोनों तो को ऐड कर लें एल बाई यू प्लस थ्री एल बाई टू यू एल्सीयम लोगे टू यू एंड दिस कम्स आउट एज फाइव एल तो देखो यार कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या फाइव एल बाई टू यू येस ऑप्शन ए तो बस आराम से करना है इतना भी टफ नहीं है कर सकते हो चलिए नेक्स्ट पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है एंगुलर मोमेंटम एल ए अच्छी बात है एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा डबल कर दी कानेटिक एनर्जी आधी कर दी तो न्यू एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए अब देखो भाई तो यहाँ आपको सिंपल सी चीज़ बोली है जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है मैं इसको रोटेशन स्टाइल से भी देख सकता हूँ या वैसे भी देख सकता हूँ जैसे भी अच्छा लगे तो एल की वैल्यू आपको पता है क्या होती है आई ओमेगा ठीक है और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्योर रोटेशन में लिखते हैं अपन हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ठीक है तो पहली चीज़ आपको क्या बोली गई है एंगुलर फ्रीक्वेंसी डबल की और काइनेटिक एनर्जी हाफ कर दी तो ये फैक्टर तो आपका वन बाई टू हो गया और ये डबल की है मतलब ये फैक्टर आपका फोर टाइम्स हो गया इसका क्लियर कट मतलब क्या है आई का जो आपका वैल्यू है वो हो गया है वन बाई एट तो एल में देखिए आई का फैक्टर क्या हो गया वन बाई एट ओमेगा का फैक्टर हो गया डबल तो ये जो वैल्यू है मुझे दिख रहा है क्या हो जाएगी वन फोर्थ हो जाएगी तो दिस इज़ एल बाय फोर डायरेक्टली आप कर सकते हो तो ये भी किया हुआ रहता है क्वेश्चन कर सकोगे बड़े आगे सेम करंट आई फ्लोज़ इन टू लॉन्ग पैरेलल कंडक्टर्स एट अ डिस्टेंस टू डी ये दिख रहा है द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट भी अब ढंग से देखना है एक में बाहर आ रहा है एक में अंदर जा रहा है ठीक है तो सबसे पहले ऊपर वा, वाले कारण देखो ऊपर वाले कारण फील्ड अगर आप आ, हाथ अंगूठा ऊपर जाओगा तो यहाँ पे इसकी जो फील्ड आएगी ये आएगी, आएगी आपकी इससे पपड़ ये ये बी आएगी बी नॉट बोल दूँ दोनों की वैल्यू सेम ही होगी क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है और इसके कारण जो फील्ड होगी वो आपको दिख रहा है कि अंदर की तरफ करंट है तो डायरेक्शन निकालोगे तो ये नीचे वाले के कारण फील्ड इससे पपड़ इधर आएगी ये एंगल 90 ये एंगल 90 ठीक है तो आप समझदार होते तो तो अगर आपको देख रहे हो ये नाइन्टी है तो अभी यहाँ से अगर आप देखो ये पै नहीं होगा याद रखना ये एंगल थीटा है और ये इसको थीटा लिख दूँ मैं तो ये एंगल आपको पता है कितना हो जाएगा नाइन्टी माइनस थीटा और ये एंगल भी कॉमन सेंस है नाइन्टी माइनस थीटा एंड दिस इज थीटा तो नेट फील्ड जो आ रही है मुझे कितनी आएगी बेटा मुझे समझ आ रहा है कितनी होगी टू बी नॉट कॉस ऑफ नाइन्टी माइनस थीटा दैट वुड बी इक्वल टू साइन थीटा अब साइन थीटा की वैल्यू ऊपर वाले पहले बी नॉ बी नॉट की वैल्यू क्या होगी वो होगी मी नॉट आई अपन टू पाई आर आर के नाम पर है ए अब साइन थीटा बेटा फोटो देख लो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी डी अपॉन ए तो अब देख लो भैया क्या आ रहा है तो म्यू नॉट आई डी अपॉन पाई ए स्क्वायर कोई ऑप्शन दिख रहा है यस ऑप्शन डी तो आराम से चलिए कॉमन सेंस लगाइए हो जाएगा नेक्स्ट वन मोल है मोनो एटॉमिक गैस का आइडियल है साइक्लिक प्रोसेस में जा रहा है टेम्परेचर वन पे थ्री हंड्रेड है और फोर पे फाइव हंड्रेड है ठीक है द हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस टू टू थ्री टू टू थ्री टू टू थ्री क्या दिख रहा है दिस इज आई सो बारिक तो आइसो बारिक में देखना देखो पहली चीज़ पी टी कर्व है पी टी कर्व स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन का मतलब है कि वी वन इज़ इक्वल टू वी टू और ऐसे ही आप बोल सकोगे वी थ्री इज इक्वल टू वी फोर जो ये समझाना चाह रहा है ठीक है तो वन टू टू आइसोकोरिक था आइसोकोरिकली अगर प्रेशर डबल हुआ है अगर पी टू टाइम्स हुआ है तो टेम्परेचर भी टू टाइम्स होगा तो टी टू की जो वैल्यू है दैट इज़ टू आइस ऑफ टी वन विच इज़ इक्वल टू सिक्स हंड्रेड कैलवे एंड सेम गोज हेयर सेम लॉजिक से यहाँ भी काम चलाओगे तो टी थ्री वुड वीट वाइस ऑफ टी फोर तो टी थ्री की वैल्यू क्या आ जाएगी दैट इज इक्वल टू थाउजेंड के तो टी टू टी थ्री पे टेम्परेचर आ गया तो डायरेक्टली कॉन्स्टेंट प्रेशर में क्यू का फॉमूला घुटा हुआ है एन सी पी डेल्टा टी एन हो गया वन सी पी मोनो के नाम पर फाइव आर बाय टू डेल्टा टी का मतलब चार सौ तो ये हो गया आपका कितना दो हज़ार हज़ार आर तो थाउजेंड आर के साथ अपन जाएंगे ऑप्शन ए तो थोड़ा सा आराम से चलिए गैस लॉ ग्राफ पहचानने आने चाहिए इतनी प्रैक्टिस अपन करते हैं तो आना भी चाहिए यार चलिए नेक्स्ट इन द फिगर शोन इन द नेटवर्क शोन इन द फिगर ईच रेजिस्टेंस इज़ वन ऑफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी यार ये या आप सबका किया हुआ है सिमेट्री से आपको पता है इसको ऊपर उठा लो क्योंकि यहाँ पे कोई करंट एक्सचेंज नहीं होगा तो ये वन और वन आपका हो गया सीरीज़ में टू टू और वन इसको साथ में लोगे तो ये हो जाएगा टू बाई थ्री इन तीन का फिर वन और वन साथ में ऐड किए तो टू बाय थ्री प्लस टू कितना हो गया ये एट बाय थ्री ऊपर हुआ नीचे टू हुआ तो एट बाय थ्री और टू का पैरेलल तो एट बाय थ्री इन टू अपॉन एट बाय थ्री प्लस टू तो ये बेटा कितना हो जाएगा सिक्सटीन और ये हो जाएगा आपका एट प्लस सिक्स फोर्टीन तो ये आपका देख लीजिए एट बाय सेवन निकल के आ रहा है सीधे सीधे तो ये याद है आपको यहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं होगा क्योंकि सिमेट्री से देखिए इनपुट आउटपुट सिमेट्री से जितना करंट इसमें जाएगा उतना ही इसमें जाएगा लेट्स आई वन आई वन बोलूँ जितना इसमें से जाएगा उतना ही इसमें से जाएगा आई टू तो ये बीच में कोई करंट एक्सचेंज नहीं होता आप सब करते हो ऐसा क्वेश्चन बन जाना चाहिए अगला एक एरोप्लेन है जिसमें डिस्टेंस बिटवीन द टिप्स ऑफ द विंग इज़ फिफ्टी मीटर इज फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद स्पीड थ्री सिक्सटी के एम पी एच ओरा प्लेस जहाँ पे वर्टिकल कॉम्पोनेंट इतना है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टिप्स ऑफ द विंग देखो ये विंग ऐसे होंगे ऑरिजॉन्टल विलॉसिटी इधर है और मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल है जो भी है तो इसका मतलब आपको दिख रहा है तीनों पर्पेंडिकुलर हैं तो डायरेक्ट ई का वैल्यू आ जाएगा बी वी एल मैगनीट्यूडी पूछ रहा है बी के नाम पे वही वर्टिकल वाला ही काम आएगा हॉरिजॉन्टल तो आएगा नहीं क्योंकि वो उसके पैरेलल हो गया वी के नाम पे 360 को बेटा बदल देना है ना 360 मत लिखना पाँच बेटा अट्ठारह कंडा मत भूल जाना पचास तो ये हो गया बीस बीस पंजेस सौ तो सौ और ये सौ तो ये तो वन हो गया भैया वन वोल्ट आ गया सिम सिंपल गिनती कर लीजिएगा ये तो वन वोल्ट आ गया तो ऑप्शन बी के साथ अपन जाएंगे तो इजी क्वेश्चन था ये इससे ज़्यादा टफ देखे मैं आपने पहले एग्जामों में नेक्स्ट फिगर शोज अ रीजन कंटेनिंग अ यूनिफॉर्म फील्ड विच इज इंक्रीजिंग एट अ रेट तो मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रही है द रीजन इज ग्रेविटी फ्री अ डिस्क ऑफ मास एम एंड रेडियस आर स्केप्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड टू चार्ज पार्टिकल्स हैविंग चार्जेस क्यू वन एंड क्यू टू एंड मासज एम एंड टू एम आर एमबेडेड टू द नॉन कंडक्टिंग डिस्क ऑन द स सरकमफ्रेंस एट डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ठीक है साहब द डिस्क इज फ्री टू ट्रांसलेट एज वेल एज रोटेट इफ़ क्यू वन इज नेगेटिव क्यू क्यू टू इज पॉजिटिव क्यू देन द इनिशियल एक्सेलोशन ऑफ क्यू वन विल बी तो क्यू वन का एक्सेलोशन क्या होगा तो बेटा सिंपल आपको पता ही अंदर की तरफ है अंदर की तरफ यहाँ पे है तो यहाँ जो इंड्यूज फील्ड होगी जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई e लिख दूँ मैं ई e की वैल्यू अंदर आपको याद है अंदर वाले पॉइंट के लिए डायरेक्ट आप लिखते हो क्या आ जाएगी बेटा आर बाई टू डी बी बाई डी टी जो अपना फॉर्मूला है सो दिस इज़ आर बाई टू डी बी बाई डी टी वही डिफरेंशिएट करके आप लेके आते हो तो जो आपको फॉर्मूला याद थे आर बाई टू डी बी बाई डी टी तो आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे आर है तो आर बाई टू डी बी बाई डी टी ये फील्ड हुई अब देखो फील्ड क्या हो रही है यहाँ पे मैं डायरेक्शन की बात कर लूँ क्वेश्चन नहीं पूछ रहा बट अपन बात करें फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रही है तो सेंस ऐसा होगा फील्ड का जो कि करंट को बाहर की तरफ निकालेगी मतलब यूँ आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड अभी क्यू वन क्या है नेगेटिव चार्ज है तो उस पर फोर्स जो लगेगा वो थोड़ा ऊपर की तरफ लगेगा और कितना फोर्स लगेगा फोर्स आप बोलोगे क्यू ही मैगनीट्यूड देख लें क्यू इन टू आर बाई टू डी बी बाई डी टी तो अब एक्सेलरेशन आप समझदार हो क्या होगा एक्सेलरेशन ये क्यू आर बाई टू तो हो ही गया क्यू आर बाई टू डी बी बाई डी टी अपॉन एम निकल के ये वैल्यू देखने को आपको मिलनी चाहिए थी ठीक है क्वेश्चन ने जो पूछा उसके हिसाब ऑप्शन नहीं है अब जो आंसर दिया हुआ है वो ये मान के दिया हुआ है डिस्क का एक्सेलरेशन निकाल लिया देखो क्यू टू पर भी फोर्स इधर ही आएगा क्योंकि वो तो पॉजिटिव चार्ज है फील्ड इसी तरह से थी मैंने समझाया था आपको यूँ उस सेंस में आएगी तो उस पर जो फोर्स होगा वो भी इस डायरेक्शन में होगा तो नेट फोर्स फिर क्या हो जाएगा इस पर तो हो गया क्यू आर बाय टू डी बी बाई डी टी और उसके ऊपर भी यही आ जाएगा क्यू आर बाय टू डी बी बाय डी ही निकल के वो वैल्यू देखने को मिलेगी तो यहाँ से जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी कितनी हो जाएगी बिठाइए ये हो जाएगी क्यू आर डी बी बाय डी टी वैल्यू देखने को मिल रही है और फिर एक्सेलरेशन ऑफ डेस्क टोटल मास अगर उन दोनों का मिला के देखें तो डेट इज़ इक्वल टू थ्री एम वो भी समझ में नहीं आता मुझे मतलब निकालने के लिए निकाल रहे हैं बट मेरे हिसाब से तो जो आंसर है वो ऑप्शन यहाँ पर गिवन ही नहीं है जिसका एक्सेलरेशन यहाँ पर पूछा गया है ठीक है चलिए एलेवेंथ टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है आर और टू आर के यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटीज़ हैं टच कर रहे हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस टू आर द सेंटर ऑफ द स्मॉलर स्फीयर अंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज जीरो द रेशो आर रो वन बाई रो टू इज ऐसा ही क्वेश्चन शायद शेयर एडवांस में एक बार मल्टीपल करके भी आया हुआ है मुझे जहाँ तक ध्यान है तो देखिए ये पहला गोला और ये दूसरा गोला ठीक है और ये एक सेकेंड इनको थोड़ा सा पास ले आते हैं ऑलमोस्ट टच करा देते हैं इनको ठीक है तो ये अपन नेट टच करा दिए अब देखिए इसकी रेडियस आर है इसकी रेडियस टू आर है इस पर रोवन है इस पर रो टू है द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस टू आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्मॉलेस्ट फियर इज़ जीरो मल्टीपल करेक्ट इसलिए था क्योंकि रोवन रो टू के प्लस और माइनस दोनों साइन हो सकते थे यहाँ जैसा रेशो पॉजिटिव है तो मुझे पता है इधर वाला पॉइंट मैं नहीं लूँगा क्योंकि इधर वाले पॉइंट पर जीरो होने के लिए दोनों के जो साइन होंगे ऑपोजिट होने चाहिए तो सेम साइन है तो फिर ये पॉइंट इधर ही आएगा अब ये पॉइंट इधर ही आएगा यहाँ से डिस्टेंस अगर मैं टू आर बोलूँगा तो बेटा यहाँ से डिस्टेंस आर होगा तो पहले वाले के कारण फील्ड कितनी होगी पूरा चार्ज आएगा इसका रो वन इंटू फोर बाय थ्री पाई आर क्यूब बाहर का पॉइंट है अपॉन कितना डिस्टेंस हो गया इससे अपॉन क्या लिखते थे अपन आर स्क्वायर लिखते थे के क्यू बाय आर स्क्वायर आर स्क्वायर का मतलब हो जाएगा फोर आर स्क्वायर इसके लिए घर का पॉइंट है घर का पॉइंट है तो डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो रो आर अपॉन थ्री एफसाइलन नॉट रो टू आर अपॉन थ्री एफ साइलन नॉट आप लिख सकोगे ठीक है तो अब देखिए यहाँ से अपने पास क्या होगा केको भी मैं वैसे लिख दूँ वन अपॉन फोर पाई एफसेलन नॉट ज़रा पहले से ही लिख देना चाहिए था कोई बात नहीं रो वन इंटू आर क्यूब आर क्यूब कैंसिल कर दूँ तो ये आ जाएगा फोर पाई और नीचे आ जाएगा थ्री इंटू फोर और ऊपर आ जाएगा आर और यहाँ आ गया रोटू आर अपॉन थ्री एफ नॉट तो ये आर से आर गया चार पाई से चार पाई गई थ्री से थ्री गया एफ नॉट से एफ नॉट गया तो रो वन रो टू रो वन बाय रो टू की वैल्यू यहाँ से आपको क्लियर कट दिख रही है फोर आ रही है काम चल गया यहाँ पे नेगेटिव ऑप्शन भी हो सकता था अगर वो हो बट यहाँ पे दिया ही नहीं गया है इसलिए सिंगल करेक्ट है जबकि एडवांस में ये क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट आया था चलिए ट्वेल्थ द मिनिमम नंबर ऑफ एट माइक्रोफेरे एंड टू फिफ्टी वोल्ट कैपेसिटर विच आर यूज टू मेक अ कॉम्बो ऑफ सिक्सटीन माइक्रोफेरेड एंड वोल्टेज थाउजेंड वोल्ट वोल्टेज थाउजेंड वोल्ट का मतलब बेटा समझ आ रहा है आपको कि यहाँ पे भैया एक की कैपेसिटी ढाई सौ या हज़ार करनी है मतलब चार टाइप तो आपको यहाँ पे लगाने ही पड़ेंगे तो चार तो मिनिमम एक उस तरह के लगाने पड़ेंगे तो ऐसे देखिए चार को अगर मैं कभी भी ऐसे सीधे लगाऊँ एक दो तीन चार तो एक सेकेंड बैठाइए ये ऑटो फिगर के कारण दिक्कत हो जाती है कई बार हाँ चलिए तो ये चार लगा दिए तो हज़ार की कैपेसिटी तो हो गई पर अब जरा ये चार लग गए तो ये आठ 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 चारों सीरीज़ में तो ये टू हो गया अब मुझे चाहिए सोलह सोलह चाहिए मतलब ऐसी कितनी ब्रांचेज मेरे को लगानी पड़ेगी आठ ब्रांचेज लगानी पड़ेगी आप समझदार हो तो ये दो और ऐसे करते करते ये आठ ब्रांचेज मुझे लगानी पड़ेंगी तो टोटल कैपेसिटर्स मेरे को कितने लगेंगे आठ चौक बत्तीस तो थर्टी टू आंसर यहाँ पे आपको देखने का मिलेगा तो ये तो लॉजिकली जैसा आप पढ़ते हो एक्सपीरियंस से आप कर सकोगे डायरेक्टली ऐसा मुश्किल नहीं है करते हो ऐसे क्वेश्चन चलिए आगे पेंडुलम की लंबाई दो सेंटीमीटर है हॉरिजोंटल है इट्स बॉब इज ये टू सेंटीमीटर इज हॉइजोंटल वन इज बॉब ऑफ मास 200 ग्राम इज रिलीज मतलब वही 90 डिग्री वाली पोजीशन यहाँ से ऐसे छोड़ा गया ठीक है ये इंच पॉइंट है इट इज़ 90% ऑफ इनिशियल एनर्जी व्हेन द बॉब रीच द लोअर मोस्ट पॉइंट स्पीड ऑफ द बॉब इज भाई 90% एनर्जी ही बची है तो पहली चीज़ मैं डायरेक्टली बोलूँ नाइन्टी का आंधा पॉइंट ऑफ एम दैट वुड बी इक्वल टू हाफ एम v स्क्वायर तो यहाँ से बेटा वी की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट ऑफ वन पॉइंट एट जी के नाम पे टेन एल के नाम पे टू कर दो तो ये क्या हो गया वेटी टू ज़र थर्टी सिक्स तो सिक्स मीटर पर सेकेंड सीधा सीधा सस्ता सा क्वेश्चन हो गया यार ये तो मतलब लग रहा था कुछ होगा बट ये तो बिल्कुल सीधा सीधा निकला कोई बात नहीं अच्छी बात है नेक्स्ट पॉइंट पी लाइज ऑन द एक्सिस मास रेडियस एट ए डिस्टेंस ए फ्राम एट सेंटर वो बहुत अच्छी बात है स्मॉल पार्टिकल एम स्टार्ट्स फ्रॉम पी एंड रीचेज वो अंडर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ओनली केवल ग्रेविटी के कारण आ रहा है तो देखो ये था और यहाँ पे ये था तो ये डिस्टेंस है ये डिस्टेंस भी है तो ये पी पॉइंट है और ओ है तो यहाँ से यहाँ अगर आया है पी से ओ तक अगर ये आया है एक सेकेंड इसको थोड़ा सा सही कर दें अगर ये पी से ओ तक यहाँ पे आया है केवल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से तो सिंपली अपन क्या लिखेंगे भाई सिंपल सा लॉजिक अपना होता है इनिशियल एनर्जी एट पी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पी इज इक्वल टू के ओ प्लस यू एट ओ तो के के पी तो जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी एट ओ क्या होगी यू एट पी माइनस यू एट ओ और उसको लिख दूँ मैं पार्टिकल क्या है पार्टिकल का मास की मैंने क्या मत रहने दो एम इसको लिख देंगे वी एट पी माइनस वी एट ओ और इसको लिख दिया आपने हाफ एम वी स्क्वायर एम से एम उड़ा दो तो वी स्क्वायर बाई टू वी पी पी पे पोटेंशियल क्या होगा माइनस जी एम अपॉन डिस्टेंस आप समझदार हो रूट टू ए और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और सेंटर पे होगा जी एम बाई ए तो यहाँ से क्या आ गया बेटा जी एम कॉमन ले लें ए हो जाएगा वन माइनस वन बाई रूट टू तो वी की वैल्यू क्या आ जाएगी टू इधर लगा दो और ये रूट आ गया आप देख लो भैया कौन सा ऑप्शन आपको चमकता हुआ दिख रहा है तो मुझे तो डीफॉल्ट डॉग वाला ऑप्शन ये समझ रहा है आइए चलिए द इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम रेड फ्रॉम द सर्फ हाइट इक्वल टू आर यार ये तीसरी बार क्वेश्चन आ रहा है मुझे याद हो चुका है एम जी जी आर बाई टू अभी नहीं सॉल्व करूंगा इसको यार ये तो मतलब बार बार एक ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं तीसरी बार ये पेपरों में आ रहा है अभी पिछले ये पंद्रह सोलह पेपर जितने मैंने किए हैं उसमें स्लैब कंसिस्ट ऑफ पोर्शन ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स ऑफ द सेम थिकनेस एंड लेंथ कनेक्टेड इन सीरीज ठीक है तो भैया डिफरेंट मटीरियल्स है थिकनेस सेम है लेंथ सेम है द मटीरियल्स ऑफ कंडक्टिविटीज़ के वन एंड के टू दट इक्वल एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ़ द स्लैब इज गोइंग टू बी तो इक्वल एंड थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी तो देखो भाई ये पहला है और ये दूसरा ऐसे मान ले ये दूसरा ठीक है, है इसको एक मिनट थोड़ा सा और प्रॉपर बना लेते हैं वो अच्छा सुंदर सा बनाया तो इसे भी सुंदर या सुंदर को मारो अपन सिंपल ऐसे ही देख लेते हैं यार भाई वापस से देखो ये पहला और ये दूसरा दोनों एक एक जैसे हैं तो भाई यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा पहले तो रेजिस्टेंस आप बोलोगे आर वन प्लस आर टू तो रेजिस्टेंस पहले का लिखोगे आप एलअपॉन के वन है दूसरे का आप बोलोगे एलपॉन के टू है और जब एक मिनट यार कहाँ से ड्राॅइंग बन जाती है अपने आप इन शेप्स को हटाना पड़ेगा ऑटो शेप ले रखा है हाँ एलपॉन के टू है तो यहाँ से देखिए इक्वलेंट जब मैं लिखूंगा तो लेंथ हो जाएगी टू एल एरिया वही रहेगा तो के इक्वलेंट इन टू है ये चीज़ याद रखिएगा तो दैट इज़ एलपॉन के वन है प्लस एलपॉन के टू है इतनी सी चीज़ याद रखिए बस एरिया 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 लेंथ 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 तो टू अपॉन के इक्वल एंट यहाँ से क्या आ रहा है बेटा के वन प्लस के टू ऊपर आ जाएगा नीचे के वन के टू आ गया तो के इक्वल एंट दिख रहा है टू के वन के टू अपॉन के वन प्लस के टू ऑप्शन सी के साथ जाएंगे आराम से करेंगे सीधा सा क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं स्फेरिकल ब्लैक बॉडी है रेडियस बारह है रेडिएट साढ़े चार सौ पावर एट फाइव हंड्रेड के रेडियस आधी कर दी टेम्परेचर डबल कर दी भैया एनर्जी आपको पता है प्रोपोर्शनल टू एरिया मतलब आर स्क्वायर और टी की पावर फोर तो रेडियस को आपने हाफ़ किया मतलब वन बाय फोर टेम्परेचर डबल किया मतलब ये हो गया सिक्सटीन टाइम्स तो जो भी है चौगुना हो जाएगा चौगुना का मतलब साढ़े चार सौ का चौगुना अट्ठारह सौ खत्म करोगानी ऑप्शन डी के साथ सीधे सीधे आप जाओगे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट और द फॉलोइंग ग्राफ्स द विच वन करेक्टली डिपिक्ट्स द वेरिएशन ऑफ बीटा इज माइनस वन बाय वी डी वी बाय डी पी यार ये देखो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बीटा इज़ माइनस वन बाय वी डी वी बाय डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर तो वहीं वो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर घोटा लगा रखा है डी पी बाई डी वी की वैल्यू जो होती है आपकी एक सेकेंड बेटा ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस में है डी पी बाई डी वी आप सब याद रखते हो क्या होता है माइनस वी बाई वी तो डी वी बाई डी पी जब लिखोगे तो हो जाएगा माइनस वी बाई पी तो ये माइनस वी बाई पी तो दिस इज़ वन अपॉन पी तो प्रेशर के साथ इसका ग्राफ इन्वर्स होगा कई बार क्वेश्चन आ चुका है मुझे तो ध्यान भी था बट आपके लिए मैंने सॉल्व किया चलिए नेक्स्ट द डायग्राम शोज़ द एरिया बैर ए कर फॉर एन मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस द बल्क मॉडल्स फॉर द गैस कॉरस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट पी इज तो बल्क मॉडल्स पहली चीज तो बल्क मॉडुलस होती कैसे चिड़िया का नाम है तो बल्क मॉडलस आपको पता है एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए डायरेक्ट आपको याद है दैट इज इक्वल टू गामा पी सबको याद है दैट इज इक्वल टू गामा पी अब ये कौन से पॉइंट की बात कर रहा है पॉइंट पी पे तो इस पॉइंट पी पे प्रेशर क्या होगा प्रेशर क्या होता है एन आर टी बाई वी एन आर टी के नाम पर क्या है थ्री टी नॉट वॉल्यूम के नाम पर क्या है थ्री वी नॉट उड़ा दिया उड़ा दिया क्या बचरा बेटा गामा एनआर टी नामा की वैल्यू ढूंढ के लानी है हम गामा की वैल्यू ढूंढ के लानी है तो ये स्लोप स्लोप का ही कुछ जुगाड़ करें अपन तो स्लोप के जुगाड़ से अगर अपन देखें वी टी का तो वी टी की इक्वेशन होती है टी वी की पावर गामा माइनस वन इज़ कॉन्स्टेंट और इसकी अब अगर मैं स्लोप निकालूँ डिफ्रेंशिएट करके तो भैया क्या होगा डिफरेंशिएशन इधर हो गया डी टी डी टी इन वी की पावर गामा माइनस वन प्लस यहाँ क्या आ जाएगा टी इंटू गामा माइनस वन इंटू वी की पावर गामा माइनस टू इंटू डी वी इक्वल टू ज़ीरो तो इसको जब डिफ्रेंशिएट और के दिखे क्या जाएगा यहाँ से तो स्लोप जो है यहाँ पे क्या होगी डी वी बाई डी टी डी वी बाई डी टी की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा सो दैट कम्स आउट एज़ ये दोनों पावर्स अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा माइनस इधर लगा दूँ तो ये हो जाएगा माइनस वी और नीचे हो जाएगा गामा माइनस वन टाइम्स टी तो ये अपनी स्लोप की वैल्यू निकल के आ रही है तो अब ये जो पॉइंट है आपका पॉइंट पी पॉइंट पी पे अगर अपन देखें तो ये जो वैल्यू अपनी निकल के आएगी तो यहाँ वॉल्यूम की वैल्यू तो कितनी है थ्री वी नॉट टी की वैल्यू है थ्री टी नॉट और ये जो स्लोप है अब ये स्लोप देख लो इन दो पॉइंट से निकाल लेते हैं स्लोप कितनी आ रही है ये चार और ये वी तो ये हो गया माइनस थ्री वी नॉट माइनस नाइन तो पहले आ जाएगा वो जो भी चेंज है एक बढ़ रहा है एक घट रहा है और टेम्परेचर में चेंज है थ्री का तो ये माइनस माइनस हट गया थ्री वी नॉट भी हट गया थ्री टी नॉट भी हट गया तो यहाँ से क्या आ रहा है बेटा गामा माइनस वन इक्वल टू वन तो गामा की वैल्यू हो गई टू तो अभी आंसर हो गया टू एन आर टी नॉट बाई वी नॉट तो ये अच्छा क्वेश्चन दे दिया भाई ये आपके लिए बायो वाले नीट वाले बच्चों के लिए तो भारी क्वेश्चन माना जाएगा चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये देखा दिखाया क्वेश्चन है दो लॉन्ग पायर वायर्स हैं टू डी अ कैरी इक्वल करंट फ्लोइंग आउट ऑफ द प्लेन मतलब सेम सेंस में है द वेरिएशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज तो भैया सबसे पहले देखो इसके कारण जो फील्ड है बीच के रीजन में अगर आप देखोगे तो इसके कारण बीच के रीजन में ऊपर आएगी अपवर्ड्स होगी इसके कारण देखोगे तो बीच के रीजन में डाउनवर्ड्स होगी ठीक है तो बीच में कहीं जीरो आएगा आ ही रहा है तो इन क्लव में फिर आपको क्या बोला गया है ये जो है ये अपवर्ड्स है तो अपवर्ड्स फील्ड के कारण यहाँ फील्ड नीचे की तरफ आएगी और यहाँ फील्ड ऊपर की तरफ आएगी तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया ये कौन सा ऑप्शन बन रहा है अब जो जितना मैंने कहानी सुनाई है उसके हिसाब से बीफोर बॉम्बे आपका इजीली बन रहा है आए हुए क्वेश्चन है ये बनने चाहिए नेक्स्ट एक इलेक्ट्रॉन है मूव कर रहा है राइट एंगल्स टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ठीक है ये दे दी द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू कम्प्लीट सर्कुलर ऑर्बिट एयर सीधा सीधा टाइम पीरियड आप सबको याद है टू पाई एम बाई क्यू बी ये लिखते थे तो टू पाई एम एम के नाम पे क्या आएगा इलेक्ट्रॉन <hatten> है भाई तो नाइन पॉइंट वन इंटू टेन पावर माइनस थर्टी वन क्यू के नाम पे आ गया वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन पावर माइनस नाइनटीन बी के नाम पे आ गया थ्री पॉइंट फाइव थ्री फोर इंटू टेन पावर माइनस फाइव तो पहले तो हिसाब ही लगा लो उन्नीस और पाँच चौबीस और इकतीस तो टेन की पावर माइनस सेवन ऊपर आया नाइन पॉइंट वन इंटू टू पाई अपॉन थ्री पॉइंट फाइव थ्री फोर इंटू वन पॉइंट सिक्स ठीक है तो एक और उड़ा दूँ माइक्रो में है तो इसको पॉइंट नाइन वन कर देता हूँ टू पाई होता है सिक्स पॉइंट टू एट और ये हो गया वन पॉइंट सिक्स इंटू थ्री पॉइंट फाइव थ्री फोर तो अब देख लो भैया आप थ्री पॉइंट फाइव इंटू वन पॉइंट सिक्स अगर मैं लगभग करूँगा तो थ्री पॉइंट फाइव का आधा कितना होता है ये होता है लगभग वन पॉइंट सेवन फाइव तो ये फाइव पॉइंट टू फाइव फाइव पॉइंट थ्री समथिंग आ रहा है और ऊपर भी वो मतलब ये वन के आसपास ही आएगा भाई वो भी फाइव के आसपास ही आएगा तो क्लोजेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से वन माइक्रो सेकेंड होगा आराम से आप यहाँ पर मेकआउट कर सकते हो इट वुड बी वन माइक्रो सेकेंड अप्रोसीमेटली ठीक है तो ये भी करने लायक हो गया आपके लिए वैसे भी देख सकते हो ये लगभग वन एज टू फोर है और ये भी लगभग वन एज टू फोर है तो वन ही आएगा चलिए नेक्स्ट ये तो ठीक क्वेश्चन था बाइस टू पार्टिकल्स प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली विद सेम स्पीड वी नॉट इन सेम प्लेन एट थर्टी एंड सिक्सटी विदिजॉन्टल इसका रेंज सेम होगी तो समझदार हो आप द टाइम एट विच दर वेलोसिटीज बिकम्स पैरेलल अभी अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया भाई इसने वेलोसिटी कब इनकी पैरेलल होगी तो भाई सबसे पहले मैं एक एक करके देखूँ पहले वाले की किसी भी जनरल टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी यू कॉस थर्टी डिग्री आई कैप प्लस यू साइन सिक्सटी डिग्री माइनस जी टी जे कैप वी टू की किसी भी टाइम पे क्या होगी यू कॉस सिक्सटी डिग्री आई कैप प्लस यू अरे यार साइन थर्टी लिखना था सिक्सटी कैसे लिख दिया गड़बड़ कर दी एक मिनट इसको फिर अभी कल लास्ट में गड़बड़ करेंगे अपन यू साइन थर्टी था यहाँ यहाँ आएगा यू साइन सिक्सटी माइनस जी टी जे कैप अब भाई कोई भी वेक्टर्स पैरल होते हैं अगर वेक्टर्स पैरल हैं तो आपको पता है ए एक्स बाई बी एक्स इक्वल टू ए वाई बाई बी वाई तो डायरेक्टली रेशो लूँ तो कॉस थर्टी बाय कॉस सिक्सटी दैट वुड बी लिख लो पहले कॉस थर्टी बाय कॉस सिक्सटी वुड बी इक्वल टू यू साइन थर्टी माइनस जी टी अपॉन यू साइन सिक्सटी माइनस जी टी ये वैल्यू आपकी देखने को मिलेगी तो कॉस थर्टी बाय कॉस सिक्सटी यहाँ से कितना होता है कॉस्ट थर्टी बाय कॉस सिक्सटी आपको पता है कॉस थर्टी रूट थ्री टू होता है वन बाय टू होता है तो रूट थ्री यू साइन सिक्सटी साइन सिक्सटी का मतलब रूट थ्री बाई टू माइनस जी टी इज इक्वल टू यू साइन थर्टी विच इज यू बाई टू माइनस जी टी तो यहाँ से yeah, क्या आ रहा है इसको रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री हो जाएगा थ्री यू बाई टू माइनस रूट थ्री जी टी इज इक्वल टू यू बाई टू माइनस जी टी तो इधर ले आए तो ये हो जाएगा यू दैट इज इक्वल टू रूट थ्री माइनस वन जी टी तो टी की वैल्यू क्या आ रही है बेटा यू अपॉन रूट थ्री माइनस वन जी अब इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ रूट थ्री प्लस वन रूट थ्री प्लस वन से तो ये अपने को जिस फॉर्म में चाहिए उसमें मिल जाएगा रूट थ्री प्लस वन टाइम्स इनिशियल स्पीड यू और थ्री माइनस वन हो जाएगा ए प्लू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाइए तो ये ऑप्शन आपका बी आ रहा है जो मैंने पहले से टिक कर दिया था ठीक है तो ये ऑप्शन बी आपका देखने को मिलेगा चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे ट्वेंटी थर्ड ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है रूम में कांची कांच है भैया मेड ऑफ मिरर्स एंड इन इन्सेक्ट इज मूविंग अलॉंग द डायगनल ऑफ द फ्लोर सच दैट द कॉम्पोनेंट ऑफ द विलासिटी ऑफ द डायरेक्ट इमेज ऑफ इंसेक्ट ऑन द टू एडजस्टेंट वॉल मिरर्ज अलॉन्ग दोज मिररर इज टेन सेंटीमीटर पर सेकेंड द विलासिटी ऑफ इमेज ऑफ द इंसेक्ट इन द सीलिंग मिररर अरे भैया मजे ले रहा है ये तो देखो भाई रूम मिरर का है वो फर्श पे चल रहा है डाइगनल के अलॉन्ग तो ये फर्श मान लें फर्श पे डाइगनल के अलॉन्ग चल रहा है कितने चल रहा है अलॉन्ग द डाइगनल तो ऐसे ही चलेगा ठीक है अब इसकी जो कॉम्पोनेंट वेलोसिटी ऑफ डायरेक्ट इमेज ऑफ़ इंसेक्ट ऑन टू एडजेसेंट मिरर वॉल्स ये हो गई तो इन पे जो वेलोसिटी होगी भाई मिरर पे जो वेलोसिटी इसकी देखने को मिलेगी वो आपको बतानी है कि भाई क्या होगी मिरर के पे वेलोसिटी तो मिरर पे जो वेलोसिटी होगी वो टेन आ रही है वो अगर टेन यहाँ पर देखने को मिलेगी तो इसका मतलब ये है कि भाई इसके अलॉन्ग जो वेलोसिटी होगी अलॉन्ग द वॉल तो ये हो गई 45 डिग्री तो जो भी वी है उन मिरर्स दोनों के अलॉन्गी वी कॉस्ट 45 फाइव ही आएगी और वो कितनी देर रखिए 10 तो वी की वैल्यू क्या होगी आपके लिए टेन रूट टू सेंटीमीटर पर सेकेंड तो वेलोसिटी ऑफ द इमेज ऑफ़ द इन्सेक्ट इन द सीलिंग मेरर अब देखो सीलिंग देखोगे तो सीलिंग के रेस्पेक्ट में तो यार ये बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन में ही है इसके पपड़ ही है क्योंकि सीलिंग मिरर तो इसके ऊपर लगा हुआ है तो उसके लिए तो डायरेक्ट पपड़ है यहाँ तो एक कॉम्पोनेंट इसके अलॉन्ग था और एक कॉम्पोनेंट इधर था तो अपने वो केवल सेपरेशन से मतलब था तो वो सेपरेशन में ये वाला और इस वाले में ये वाला डिस्टेंस मैटर कर रहा था जबकि ऊपर वाले के लिए टोटल इस डिस्टेंस का ही मैटर करेगा किससे चेंज हो रहा है तो वहाँ पे आंसर टेन रूट टू ही रहेगा बहुत ही प्यारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आराम से देखिएगा बहुत प्यार से पूछा हुआ क्वेश्चन है वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन जो मुझे यहाँ दिखाया है नेक्स्ट अ बॉडी ऑफ मास टू के जी मूविंग ऑन हॉरीजॉन्टल सर्फे विद इन नििशियल स्पीड ऑफ़ फोर कम टू रेस्ट आफ्टर टू सेकंड इफ वन वॉन्ट्स टू कीप दिस बॉडी मूविंग ऑन द सेम सर्फेस विद लॉसिटी ऑफ फोर इज द रिक्वायर्ड फोर्सेस देखो भाई चार की स्पीड टू से कम हो गई मतलब एक्सेलरेशन जो फ्रिक्शन के कारण आ रहा है वो कितना आ रहा है माइनस टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ठीक है तो जो फ्रिक्शन लग रहा है बेटा एफ के की वैल्यू क्या होगी मूके um, एन होती है तो यहाँ तो सॉरी एम ए लिखे अभी तो तो एम ए कितना हो जाएगा टू इंटू टू दैट इज माइनस फोर न्यूटन तो अगर आपको कॉन्टेंट वेलोसिटी से चलाना है तो जितना फ्रिक्शन है उतना आपको दम लगाना है तो चार न्यूटन खत्म कहानी लड्डू क्वेश्चन आगे बढ़िए ब्लॉक एम मास एम का मूव कर रहा है कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ए से रफ हॉरिजॉन्टल एक्जोटल प्लेन पेफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू द पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल एजेंट आफ्टर अ टाइम टी फ्रॉम द बिगनिंग वी पावर होती है एफ वी एफ डॉट वी तो यहाँ तो एफ वी हो जाएगी उन्होंने ए की तरफ है ठीक है तो अब वी क्या होगी सबसे पहले तो एक्सेलरेशन देखो इट इज़ मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन तो कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है तो एक्सेलरेशन गिवन ही है तो भाई वेलोसिटी टी टाइम के बाद क्या होगी दैट इज इक्वल टू एटी तो डायरेक्टली पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी तो so, पावर की वैल्यू अगर मैं बोलूँ यहाँ पे पावर की वैल्यू एफ एफ की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी एक तो एम है प्लस फ्रिक्शन को भी ओवरकम कर रहा है तो जो एक्सटर्नल फोर्स होगी जो पावर डिलीवरिंग फोर्स है वो एक्सटर्नल फोर्स होगी अन बोलिंग एफ एक्सटर्नल माइनस एफ के इज़ इक्वल टू एम तो एफ एक्सटर्नल होगा एम ए प्लस एफ के एफ के की वैल्यू क्या लिखोगे आप यू एम जी और टी की जगह आपने क्या लिखा दैट इज़ ए टी अब देख लो बेटा कौन सा ऑप्शन आपको अच्छा सा दिख रहा है मेरे हिसाब से आपको जो ऑप्शन अच्छा सा दिख रहा है कौन सा आएगा बेटा वो ये ऑप्शन आएगा डी वाला आराम से इसको करिए ईजी है ये भी इतना टफ नहीं है नेक्स्ट गीगर मूलर काउंटर की काउंटर रेट फॉर द रेडिएशन तीस मिनट है हाफ़ लाइफ पाँच सेकेंड हो गई पाँच पर सेकेंड हो गए दो घंटे के बाद तो इनिशियल क्या होगी यार दो घंटे कितनी हाफ़ लाइफ हो गई चार हो गई तो सोलह का फैक्टर आ जाएगा कुछ करना ही नहीं है सोलह पंजे अस्सी सीधा लगाओ बी कुछ भी नहीं करना इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन है आगे बढ़ते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन डियोट्रॉन हीलियम दोनों की दे दी इफ़ टू ड्यूट्रॉन न्यूक्लियॉन टू फॉर्म टू अंगल यू न्यूक्लाइज एंड एनर्जी इज रीजेस यार ये तो कर करके थक गए यार आप डायरेक्टली क्या लिखोगे हीलियम की टोटल एनर्जी फोर इन सेवन इसकी कितनी थी सीधा फोर ही कर लो दो करोगे दो को दो से करोगे तो डायरेक्टली फोर कॉमन लिया सेवन माइनस वन पॉइंट वन कितना होता है बेटा दैट इज़ इक्वल टू सॉरी सिक्स पॉइंट नाइन नहीं फाइव पॉइंट नाइन गलती हो जाएगी अभी hmm. तो फाइव पॉइंट नाइन इंटू फोर तो कर लो भैया फोर नाइन जो थर्टी सिक्स फोर फाइव ज़रा ट्वेंटी तो ट्वेंटी थ्री पॉइंट सिक्स है ई वी सीधा सीधा क्वेश्चन है खूब किया है आप लोगों ने आराम से बनता है इसमें कोई ज़्यादा ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं है ये भी इजी क्वेश्चन है नेक्स्ट द रेशियो ऑफ़ फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू पेंडुलम आर टू इज़ टू थ्री दिन दर लेंथस आर इंद रेशियो भैया फ्रीक्वेंसी ओमेगा क्या होती है बेटा ओमेगा होती है रूट इज जी बाई एल वही फ्रीक्वेंसी होगी तो फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू वन बाई रूट एल तो एफ वन बाई एफ टू इज़ रूट ऑफ एल टू बाई एल वन सीधा सीधा क्या आ रहा है एल वन बाई एल टू का रेशो निकालोगे तो वो जाएगा एफ टू स्क्वायेर बाय एफ वन स्क्वायेयर तो ये रेशो आपका नौ बटा चार ऑप्शन डी आराम से हो जाएगा तो ये भी इजी क्वेश्चन है बस रीडिंग करने में कोई गड़बड़ नहीं करें अपन नेक्स्ट देखिए ट्वेंटी नाइन्थ एक पेंडुलम क्लॉक है जो सिक्सटी टाइम्स टिक करती है वन मिनट ऑन अर्थ इस प्लेसड ऑन द मून अर्थ पर सही चल रही थी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ओनली वन सिक्स दैट ऑफ द अर्थ हाउ मेनी टाइम्स विल इट क्लॉक देयर इन वन मिनट तो फ्रीक्वेंसी की बात कर ली वही चीज़ आ गई आपके लिए तो फ्रीक्वेंसी वापस से अपन ने बोला था क्या होगा प्रोपोर्शनल टू रूट जी होगी तो एफ़ ऑन मून टू एफ ऑन अर्थ जी ऑन मून टू जी ऑन अर्थ और मून पे अर्थ का वन बाय सिक्स है तो यहाँ पे एफ़ ऑन मून क्या हो जाएगी सिक्सटी बाय रूट सिक्स तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई सिक्सटी बाय रूट सिक्स सिक्सटी बाय रूट सिक्स का मतलब हो गया सिक्सटी अपॉन ऑन टू पॉइंट समथिंग ये आएगा तो भाई सिक्सटी बाई टू थर्टी होता तो थर्टी से तो कम ही होगा तो ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव पे जाएंगे जो क्लोजेस्ट ऑप्शन मुझे नजर आ रहा है आप पूरा अच्छा हो तो इसको और कैलकुलेट करके देख लीजिएगा ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव के लगभग ही आएगा तो ये भी देखो सेम क्वेश्चन दो तरह के हो गए अगला चार्ज ऑयल ड्रॉप फॉल्स विद द टर्मिनल स्पीड वी नॉट इन एब्सेंस ऑफ फील्ड फील्ड उसको स्टेशनरी रखती है और रिक्वायर्स चार्ज थ्री क्यू इट स्टार्ट मूविंग अपवर्ड विद विलॉसिटी वी नॉट द इनिशियल चार्जेस तो भाई जो भी इनिशियल चार्ज था इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी लगाई डेफिनेटली वो टर्मिनल विलॉसिटी थी इन एबसेंस में और फील्ड के कारण वो स्टेशनरी रह पाई मतलब चल नहीं रही थी इसका मतलब क्यू ई नॉट या क्यू ई जो भी अपन क्यू नॉट लिखें सॉरी जो इनिशियल चार्ज था ऐसे बोलें क्यू नॉट इनटू ई ई तो उसके एम जी के बराबर था ठीक है अब जब वो गिर रही थी गिर रही थी मतलब इन एपसेंस टर्मिनल स्पीड वी नॉट थी टर्मिनल स्पीड वी नॉट थी इसका मतलब सिक्स बाई आर नीटा वी नॉट इज़ इक्वल टू एम जी तो ये तीनों का मैग्नीट्यूड सेम हो गया अब जब थ्री क्यू चार्ज हो गया तो ऊपर की तरफ जाने लगी इसका मतलब अब उस पर जो फोर्स ऊपर हो गया थ्री क्यू नॉट ही और जो आपका क्या कहते हैं थ्री क्यू सॉरी क्यू नॉट नहीं थ्री क्यू बोलना चाहिए मैं गलती कर रहा हूँ ये क्योंकि वो चार्ज ही तो निकालना है थ्री क्यू नॉट नहीं तो अब जो चार्ज जब उस पर दिया है थ्री क्यू चार्ज कर दिया अक्वाइज द चार्ज थ्री क्यू जब थ्री क्यू चार्ज किया तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स थ्री क्यू इन ई लगा और ऊपर जा रही है तो इसका मतलब वो सिक्स बाई आर नीटा वी नॉट नीचे लगेगा और एम जी भी नीचे लगेगा और ये दोनों वैल्यू इक्वल है और ये दोनों वैल्यू इक्वल है क्यू नॉट ई के तो डायरेक्टली इसको लिख दूँ टू क्यू नॉ ई ऊपर से सो थ्री क्यू ई इज़ इक्वल टू टू क्यू नॉट ई तो क्यू की वैल्यू जो क्यू नॉट की वैल्यू है सॉरी वो नीचली आ गई थ्री क्यू बाई टू तो ये भी कयाव क्वेश्चन है इस तरह के करते हो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा पहले नीचे था फिर ऊपर टर्मिनल वेलोसिटी है तो याद रखिएगा ऊपर जब भी जाएगी तो डेफिनेटली फिर वो विस्कस फोर्स और एम जी दोनों नीचे लगेंगे और वो जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है वो ऊपर लगेगा और ये बैलेंस होंगे टर्मिनल स्पीड में जब भी होता है तो आप बोलते हो फोर्स बैलेंस होती है ये आपको समझदार हो सबको पता है उस पॉइंट को ही अपन ने यूज़ किया है चलिए तीस क्वेश्चन हुए अभी इकतीसवां वन किलो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट फ़ोटोन की ये वेवलेंथ है तो व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वन मेगा इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट फोटोन अब भाई क्या होगी भैया चेक कर लेते हैं इसमें क्या है या तो उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लो या इसकी वेवलेंथ निकाल लो जैसे आपको अच्छा लग रहा है लट से पहले वाले की मैं फ्रीवेंसी निकाल लेता हूँ तो फ्रिकवेंसी होती है सी बाय लेमडा तो ओरिजिनल वाले की कितनी थी सी कितना था थ्री इंटू की पावर एट लैमडा कितना था वन पॉइंट की पावर माइनस तो ये हो गया आपका थ्री अपॉन वन की पावर सेवनटीन अब एनर्जी कितने फैक्टर से बढ़ाई आपने टेन की पावर थ्री से एनर्जी टेन की पावर थ्री से बढ़ाई तो न्यू की जो वैल्यू है वो भी टेन की पावर थ्री से ही बढ़ेगी तो ये टेन की पावर सेवेंटीन की जगह टेन की पावर ट्वेंटी के ऑर्डर का आएगा और ये वैल्यू अब एक ही दिख रही है टेन की पार्ट नहीं और भी है 1.24 का डबल होता है 2.48 तो लगभग ये टू से तो बड़ा ही आएगा तो 2.5 पॉइंट फाइव इंटू पावर 20 होगा पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कॉन्फिडेंटली मारो आंसर बॉल की डेंसिटी ये है फॉल्स इनटू वाटर हाइट 9 सेंटीमीटर टू व्हाट डेप्थ विल द बॉल सिंक तो कितना डेप्थ वो करेगी तो यहाँ पर मानते हैं कि वो जो ट्रांजिशन टाइम है उसको इग्नोर कर लेते हैं तो भाई नौ सेंटीमीटर से गिरी है नौ सेंटीमीटर से गिरी है और अब जब वो नीचे आ गई जब वो पानी में डूब गई पानी में डूबने पर उस पर एक तो लगेगा एम और एक लगेगा एफ तो एम और एफ की बात करें तो उसका जो एक्सेलेशन होगा अब अगर मैं देखूँगा डेफिनेटली बाइंड फोर्स ज़्यादा होगी तो जो एक्सेलेशन ऊपर की तरफ होगा क्या होगा एफ़ बी माइनस एम जी अपन एम और एफ बी की वैल्यू आप क्या लिखोगे बेटा एफ बी की वैल्यू लिखोगे आप रो ऑफ वाटर इन वॉल्यूम और वॉल्यूम को आप लिख सकोगे मास ऑफ बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी करते ही हो आप इनटू जी माइनस एम जी अपॉन एम जी एम 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 उड़ गया तो डायरेक्ट आएगा रो ऑफ वाटर अपॉन रो ऑफ बॉडी माइनस वन इन टू जी अपवर्ड्स तो रो ऑफ वाटर अपॉन रो ऑफ बॉडी तो क्या हो जाएगा ये तो जाएगा वन अपॉन पॉइंट फोर माइनस वन टाइम्स जी तो वन अपॉन पॉइंट फोर कितना होता है यार इसको करोगे तो क्या हो जाएगा ये टेन बाय टेन बाय फोर हुआ टेन बाय फोर के टू पॉइंट फाइव तो ये हो गया थ्री जी बाय टू अपवर्ड्स तो अब समझदार हो देखो अब डायरेक्टली अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूँ तो भाई क्या होगा कितनी डेब तक जाएगी तो आराम से इसको देखिए आप या तो वर्क एनर्जी किसी भी तरीके से आप कर सकते हो यार ऐसा कोई समस्या नहीं है मतलब बहुत सारे वे अब आप आपके लिए हो सकते हैं मैंने इतना लंबा चौड़ा ये निकाल दिया है रिटार्डेशन तो अब सिंपल सी चीज़ देखिए क्या करूँ एक तरीका तो मेरे पास क्या होगा मैं जब ये टकराई थी तब स्पीड निकालूँ जो तो टकराई थी जब स्पीड होगी रूट टू जी एच तो रूट टू इंटू टेन इं पॉइंट जीरो नाइन ठीक है तो अब मैं थर्ड इक्वेशन लगाऊँ फाइनल स्पीड ज़ीरो इनिशियल स्पीड वी स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा ट्वेंटी इंटू पॉइंट जीरो नाइन ट्वेंटी इंटू पॉइंट जीरो नाइन टू इन पॉइंट नाइन दैज वन पॉइंट गया अपने लिए ठीक है तो वन पॉइंट एट हो गया इन्टू सॉरी इन्टू नहीं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा माइनस टू ए के नाम पर हो गया थ्री जी बाई टू इंटू जो भी एच डैश है तो एच डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी वन पॉइंट एट तो ये वन पॉइंट एट अपॉन थर्टी तो 1.8 पॉइंट एट अपॉन थर्टी कितना होता है बेटा 1.8 पॉइंट एट अपॉन थर्टी अगर इसको सेंटीमीटर से मीटर में कर दूँ तो 180 एटी अपॉन थर्टी दैट इज़ सिक्स सेंटीमीटर तो ये भी कर सकते हो ठीक है और भी सिम्प्लीफ़ाई आप कर सकते थे और भी तरीके निकल सकते थे मैंने जो किया आपको बताया वॉट इज सिग्मा पर यूनिट एटमोस्टरिक प्रेशर दैन द डिक्रीज़ इन वॉल्यूम ड्यू टू एटमोस्टरिक प्रेशर पी विल बी तो भाई आपको एक सिंपल सी चीज़ पता है बल्क मॉडुलस मुझे पता था क्या लिखते थे अपन माइनस डी पी अपन डी बी पाई बी यही बोलते थे अपन तो कंप्रेसिबिलिटी इसका इन्वर्स होता है तो उसको डायरेक्टली आप क्या लिखते हो माइनस अगर इसको मैं ढंग से लिखूँ तो माइनस डी वी बाय वी अपॉन डी पी ये कंप्रेसिबिलिटी हो गई जिसको स्मॉल के या यहाँ जो बोला है मैं वही सिंबल ले लूँ दिस इज सिग्मा तो कभी भी पी के कारण कितना डिग्रीज होगा तो डि वी के कारण कितना चेंज होगा प्रेशर पी मान के चलें तो जो भी आपको वॉल्यूम निकालना है डिक्रीज इन वॉल्यूम तो जो डेल्टा वी निकल के आएगा जो भी डिक्रीज है डायरेक्टली आप बोलोगे सिग्मा पी बाई वी ही निकल के आएगा डी पी या पी भी लिख देते हैं उसको चेंज के हिसाब से तो सिग्मा पी बाय वी इज द सिग्मा पी वी सॉरी नॉट टू पी बाय वी क्योंकि अपन ने कैलकुलेशन देखिए ढंग से लिखिएगा इसको गड़बड़ नहीं कर दें क्योंकि ये एक साथ ही आएंगे तो दैट इज सिग्मा पी वी तो ये याद रखिएगा अच्छा सा क्वेश्चन है ऑप्शन बी के साथ अपन यहाँ पे जाएंगे चलिए आप चाहो तो डायमेंशनली भी देख सकते थे आगे देखें वायर मैश कंसिस्टिंग ऑफ अ वेरी स्मॉल स्क्वायेयर इज यूड एट अ डिस्टेंस एट सेंटीमीटर फ्रॉम अ मैग्नीफाइंग कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोल एंड टेन सेंटीमीटर कैप क्लोज टू दाई द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूज बाय द लेंसेज भाई देख लेते हैं पहले तो इक्वेशन ही लगाएं कहाँ रखा हुआ एट सेंटीमीटर में फोकल एंड टेन है तो वन बाय वी माइनस वन बाय एट माइनस करते हैं इसको भी दैट इज इक्वल टू वन बाई टेन सो वन बाय वी इज वन बाय टेन माइनस वन बाई एट एल्सियम लोगे फोर्टी ये हो गया फोर ये हो गया फाइव तो वी की वैल्यू आ रही है माइनस फोर्टी इसका मतलब पाँच गुना हो गया तो मैग्निफिकेशन आपके लिए दिख रहा है कितना हो जाएगा बेटा मैग्नीफिकेशन मैग्निफिकेशन इज गोइंग टू बी फाइव टाइम्स सीधा सीधा क्वेश्चन आगे बढ़िए शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट लेंथ बी लाइज ऑन द एक्स ऑफ अ कॉनकेव मोल लेंथ एफ एट अ डिस्टेंस यू फ्रॉम द पोल द लेंथ ऑफ द इमेज विल बी हाँ भाई कितने डिस्टेंस पे रखा है चीज़ मुझे क्वेश्चन में दिखती है वो है शॉर्ट शॉर्ट है तो मैं डायरेक्ट वो स्मॉल वाला फॉर्मूला लगा सकूँगा तो पहले तो मैं सबसे पहले इक्वेशन लगाऊँ कि भैया आपने को देखो एक सिंपल सी चीज़ पता है बेसिक इक्वेशन कहती है वन बाई वी प्लस वन बाई यू इज़ इक्वल टू वन बाई एफ तो छोटे चेंजेस के लिए आपको डायरेक्टली पता है माइनस डी वी बाई वी स्क्वायर माइनस डी यू बाई यू स्क्वायेर इक्वल टू जीरो तो यहाँ सबको पता है डी वी बाई डी यू का वो जो चेंज होगा वो डायरेक्टली आपका वी स्क्यर बाई यू स्क्र या बोल सकते M square हो एम स्क्वायर होगा तो मैग्नीफिकेशन का स्क्वायर कर देंगे तो पहले मैगनीफिकेशन निकालेंगे यू डिस्टेंस पे कितना होगा तो उसके लिए अपने को मैग्नीफिकेशन का जो रिजल्ट होता है अब चाहो तो आप पूरा सॉल्व करके निकालो या बेटर है कि आप मैग्नीफिकेशन का डायरेक्ट फॉमूला ही निकाल लो यार मैं डायरेक्ट फॉमूला निकाल लूँ वो मुझे पता है क्या होता है एफ अपॉन यू माइनस एफ़ तो यहाँ जो साइज़ होगा मैग्नीफिकेशन एम स्क्वायर होगा मतलब जो नया साइज़ होगा वह एफ अपॉन यू माइनस एफ़ का होल स्क्वायर टाइम्स भी तो क्वेश्चन की भावना यही है कि आप डायरेक्ट ये, ये रिजल्ट यूज़ करो हाँ एक्चुअल लेंथ होती तो दो पॉइंट्स की अलग अलग इमेज निकाल के उनको सब ट्रैक करके निकालते जैसे रॉड वगैरह के और क्वेश्चन आप करते हो चलिए तो ये कंसेप्ट आता है तो हो जाना चाहिए कंसेप्ट नहीं आता तो फंसोगे सॉलिड सिलेंडर है एम मास आर रेडियस रोल डाउन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ हाइट एच द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सिलेंडर व्हेन इट रीचेस द बॉटम अब देखो भाई रोल कर रहा है मतलब प्योर रोलिंग है तो जितनी भी एनर्जी एम जी एच है वो डायरेक्टली अपन बोलेंगे किसके इक्वल होगी दैट इज़ इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर बीटा बीटा फैक्टर आपको याद होगा जब भी रोलिंग करते हैं बीटा की वैल्यू शेप पे डिपेंड करती है वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर के इज़ द सी एम वाली एक्सेस के अबाउट जो रेडियस ऑफ वायरिएशन होती है तो सिलेंडर मतलब डिस्क ही हो गया सॉलिड सिलेंडर तो ये वैल्यू आपको पता है थ्री बाई टू होगी तो यहाँ से आपके पास क्या आता है बेटा ये एम mm एम तोड़ा गया तो वी स्क्वायर इंटू थ्री बाय टू बाई टू इक्वल टू जी एच तो वी की वैल्यू सीधे सीधे आती है रूट फोर जी एच बाय थ्री और वी की वैल्यू ये है तो ओमेगा क्या होगी यार ओमेगा को आर से डिवाइड मार दो ओमेगा को आर से डिवाइड मारोगे तो बेटा क्या बचेगा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ऐसा मैं पूरा लिख ही देता हूँ आप परेशान मत हो टू बाहर निकाल दिया तो रूट जी एच बाई थ्री और नीचे आ गया आर कौन दिख रहा है ऐसा सी फॉर कैट आपको दिख रहा है पे आराम से कर सकते हो तो ये बीटा वाली थ्योरी याद रखिएगा आराम से जो भी पढ़ाता है मैं ऐसे ही करता हूँ बाकी आपके आर के टी जैसे लिखना लिख दीजिएगा अगला एक पार्टिकल वन के जी का प्रोजेक्ट किया है विद स्पीड दिस एट एंगल फोर्टी फाइव वेन द टॉर्क ऑफ द वेट ऑफ द पार्टिकल अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इट इज एट द हाइएस्ट पॉइंट अरे यार ये तो खूब कार कर लिया आप लोगों ने यार हाइएसट पॉइंट पे टॉर्क क्या होगा भाई ये एम जी है इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालोगे तो एम जी का पपट निकला डिस्टेंस ये होगा विच इज आर बाय टू तो टॉर्क तो की वैल्यू डायरेक्टली आप बोलोगे एम जी आर बाई टू अब एम जी के नाम पर क्या है टेन हो गया रेंज वन बाय टू इधर ले लिया रेंज क्या होता है यू स्क्वायर ये तो यू स्क्वायर बाय जी हो जाएगा मैक्सिमम केस है फोर्टी फाइव वाला यू स्क्वायर मतलब फोर हंड्रेड इंटू टू एट हंड्रेड बाई जी विच इज टेन डायरेक्ट निकाल ली रेंज अपन ने टेन से टेन गया तो ये चार सौ न्यूटन मीटर खत्म हुई कहानी तो ये तो आसान है खूब करते हो ऐसे क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं चलिए कई एंगुलर मोमेंटम निकालता है कोई क्या निकालता है तो और ईजी था टॉप निकालना द वैल्यू ऑफ़ द रेजिस्टेंस आर एस नीडेड इन द डीसी वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट शोन हेयर इक्वल्स तो देखो भाई पर, ये एन टाइम्स आई एल है ये आई एल है ठीक है तो इसका मतलब इसमें जो करंट जा रहा है कितना जा रहा है वो एन प्लस वन टाइम्स आई एल ठीक है तो अब आपको देखिए क्या गिवन है जो अपना आर है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो कितनी होगी वी वन माइनस वी ऑफ लोड ठीक है तो और उसमें करंट भी आपको गिवन है तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी डेल्टा वी बाई आई जो वोल्टेज ड्रॉप है क्या वी वन माइनस वी एल और आई के नाम पे क्या है एन प्लस वन टाइम्स आई एल तो अब देख लो भैया कौन सा ऑप्शन दिख रहा है ये तो सिंपल आपका क्विच टाइप ही हो गया यार सीधा सीधा क्वेश्चन है बस जीना है वो डायोड के नाम से डर रहे हो डिजिटल सर्किट दैट कैन बी मेड विद रिपीटेटिव यूज़ ऑफ भैया आपको पता है यूनिवर्सल गेट नंदन नौर नंदन नॉर में एक ही ऑप्शन है या नंद गेट तो नंद गेट को करो आगे बढ़ो 1.56 पॉइंट फाइव सिक्स इंटू टेन की पावर फाइव जूल ऑफ हीट इज़ कंडक्टेड थ्रू टू मीटर स्क्वायर वॉल ऑफ टू ट्वेल्व सेंटीमीटर थिकनेस इन वन आवर टेम्परेचर इज ट्वेंटी डिग्री थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी तो भाई पहले एच की वैल्यू क्या होती थी एच की वैल्यू आप बोलते थे के डेल्टा टी बायल ये एक सेकंड में होती थी तो एक घंटे में कितनी हो जाएगी इंटू थर्टी सिक्स हंड्रेड दट इज इक्वल टू क्यू तो भैया वन पॉइंट फाइव सिक्स इंटू टेन पावर फ़ाइव के को ढूंढ रहा हूँ मैं ए के नाम पे है टू डेल्टा टी के नाम पे ट्वेंटी लेंथ के नाम पे हो गया पॉइंट वन टू इंटू थर्टी सिक्स हंड्रेड तो भैया ये पॉइंट वन टू यहीं से उड़ा दूँ तो ये हो गया थ्री हंड्रेड और दो जीरो और लग जाएंगे तो ये हो गया फ़ोर तो ये पावर फोर और वन फाइव उड़ा दी तो K की वैल्यू के वैल्यू क्या आ रही है बेटा वन पॉइंट फाइव अपॉन चार थी या बारह तो बारह तो मतलब ये हो जाएगा वन बाई एट वन बाई एट का मतलब पॉइंट वन टू फाइव होता है शायद यहाँ तक मुझे ध्यान है तो पॉइंट वन थ्री खत्म करो कहानी ठीक है ऐसा यूनिट्स में है अगला एक नया सिस्टम है यूनिट्स का देखो ये भी कई बार करते हो फोर्स की यूनिट सौ लेंथ की यूनिट दस मीटर टाइम की यूनिट सौ सेकेंड तो यूनिट ऑफ मास कैन बी एक्सप्रेसड एस तो भैया सबसे पहले तो देखो एफ़ का मुझे लॉजिक याद है क्या होता था एम एल टी माइनस टू ये सबको याद होगा तो जो मास की यूनिट होगी वो किस पर डिपेंड करेगी एफ़ एल टी माइनस टू तो एफ़ क्या हो गया सौ सौ हो गया ठीक है यूनिट ऑफ मास यहाँ पे क्या होगी गई सौ हो गई लेंथ कितनी दे रखी है दस गई सौ तो ऊपर पहुंच जाएगा सौ का स्क्वायर तो टेन की देखने को मिल रहा है प्रोड्यूस इंटरफेरेंस एंड दीट एम्पलीट्यूड क्या होता है भाई? सबसे पहले तो इनको एक ही स्टाइल में लिखो कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव बाई टू को आप क्या लिखोगे बेटा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव बाई टू जब आपका होता है तो देखो एक साइन है और एक कॉस है यहां पे है ना तो कॉस वाले को अगर अपन मैं लिखने की कोशिश करूंगा तो साइन ओमेगा टी कॉस ऑफ थीटा प्लस पाई बाय टू कॉस ऑफ थीटा प्लस पाई बाई टू होता है माइनस साइन थीटा तो यहाँ जो मुझे फेस डिफरेंस इनका नज़र आ रहा है मुझे जो नज़र आ रहा है यहाँ पे फेस डिफरेंस होगा पाई का तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा ए वन स्क्वायर थ्री स्क्वायर प्लस ए टू स्क्र फोर स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस पाई कॉस पाई यहाँ पर हो जाएगा माइनस वन ठीक है क्या हो जाएगा कॉस पाई माइनस वन देखने को मिलेगा तो यहाँ से वैल्यू क्या आ रही है ट्वेंटी फाइव माइनस कितना हो गया ट्वेंटी फोर दैट इज़ वन तो मेरे हिसाब से तो एम्पलीट्यूड यहाँ पे वन सेंटीमीटर होना चाहिए सो so, मेरे हिसाब से एम्पलीट्यूड एम्प्लीट वन सेंटीमीटर होना चाहिए जैसा मुझे समझ आ रहा है अब आपके यहाँ इसमें आंसर फाइव दिया है उन्होंने ये फेज इसको पाई बाय टू ही मान लिया पाई बाय टू कैसे मान लिया ये साइन है और ये कॉस है भगवान जाने कैसे सॉल्व किया है बट अपने हिसाब से तो आंसर वन आ रहा है अपन उसी के साथ जाएंगे और कोई ऑप्शन नहीं लेंगे चलिए फोटी थर्ड थिन ट्रांसपेरेंट शीट प्लेस कर दी वाई में तो फ्रिंज विधता है कोई फर्क नहीं पड़ता है केवल शिफ्टिंग होती है शीट डालने से फ्रिंज विट पर कोई असर नहीं होगा सीधा सीधा बार पढ़ लिया अपन ने चलो आगे फोर्टी फोर्थ सराउंडिंग साउंडिंग सोर्स सॉरी सराउंडिंग साउंडिंग सोर्स फ्रिक्वेंसी पाँच सौ मूव टूवर्ड्स ऑब्जरवर स्पीड थर्टी फ्रिक्वेंसी हर्ड सीधा सीधा क्वेश्चन है यार क्या हो जाएगी फ्रिक्वेंसी हर्ड फाइव हंड्रेड ऑब्ज़रवर नहीं चल रहा है कौन सोर्स ही चल रहा है ना तो ऑब्जर्वर के लिए तो वी ऊपर थ्री थर्टी आ गया और ऑब्जर्वर पास आ रहा है तो थ्री थर्टी माइनस थर्टी से फाइव हंड्रेड इंटू इलेवन बाई टेन हो जाएगा सीधे सीधे कर लो यार पचास बटा के इंटू ग्यारह पाँच सौ पचास ये तो लड्डू क्वेश्चन पूछा गया है आपसे आराम से आप कर सकोगे डॉपलर के वन ऑफ़ द ईजिएस्ट प्रश्नों में है नेक्स्ट जब ट्रेन दो किलोमीटर दूर थी इंजन ने सीटी बजाई बंदा ट्रैक के नियर था प्लेसिंग इज गियर अगेंस्ट द ट्रैक ऑफ़ द ट्रेन इफ द टू साउंड्स आर हर्ड एट एन इंटरवल ऑफ़ फाइव पॉइंट टू सेकेंड द स्पीड ऑफ साउंड एन आयरन इज ओ भाई साहब ठीक है तो इज द विसल डायरेक्टली एंड बाई प्लेसिंग इज ईयर अगेंस्ट द ट्रैक तो भैया आयरन में स्पीड ज़्यादा होगी सॉलिड है तो अपन सबसे पहले देखें भाई दो किलोमीटर दूर था तो जो डिस्टेंस है टाइम लगेगा एक केस में तो लगेगा टू थाउजेंड अपॉन जो भी स्पीड है किसकी साउंड की स्पीड थ्री थर्टी और एक टाइम होगा टू थाउजेंड अपॉन वी इन आयरन अब इसका जो डिफरेंस है डेफिनेटली वही लेट आएगा ये वैल्यू कितनी रखी है आपको फाइव पॉइंट टू सेकेंड्स सो टू थाउजेंड कॉमन ले लें तो वन अपॉन थ्री थर्टी माइनस वन अपॉन वी इन आयरन इज इक्वल टू फाइव पॉइंट टू तो वन अपॉन वी इन आयरन डायरेक्टली लिख दो क्या आ जाएगा वन अपॉन थ्री थर्टी माइनस फाइव पॉइंट टू अपॉन टू थाउजेंड ये वैल्यू आ रही है अब साहब ये मजे ले रहा है यार कैलकुलेशन करा के आपके मजे लेता रहेगा ये तो अब यार क्या करोगे इसका मैं तो टू मल्टीप्लाई कर देता हूँ यार कुछ और सूझ नहीं रहा तो ये हो गया टू थाउजेंड और थ्री थर्टी से मल्टीप्लाई करोगे बावन तैंतीस तैतीस दूना सिक्सटी सिक्स तैंतीस पंजे एक सौ और छः एक सौ इकहत्तर तो दो हज़ार में से सत्रह सौ सोलह गए तो ये कितना बचेगा दो सौ चौरासी अपॉन थर्टी थ्री इंटू टू कर दूँ इंटू टेन की पावर थ्री कर दूँ तो भैया ये वन अपॉन वी आयरन है मुझे उल्टा करना है तो उल्टा कर तो लूँ पहले क्योंकि ज़बरदस्ती में इधर मैं अपनी गणित की स्किल दिखाऊँ तो वी ऑफ़ आयरन क्या हो जाएगी थर्टी थ्री इंटू टू सिक्सटी सिक्स इंटू टेन की पावर थ्री अपॉन टू एटी फोर अब टू एटी फोर भैया वन बाई फोर मतलब पॉइंट टू फाइव से तो कम ही जाएगा इंटू टेन की पावर थ्री आ रहा है अब इसको और अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं भैया और क्लोज़ जा चलते हैं भैया तो मजे ही लेगा अपने थर्टी थ्री और ये हो गया वन फोर्टी टू तो वन फोर्टी टू की टेबल करो वन फोर्टी टू की डबल टू एट्टी होगी तो टू से ही शुरू होगी कहानी टू एटी टू एटी फोर तीन सौ तीस ये कितना बच रहा है फोर्टी सिक्स का मतलब थ्री आ जाएगा तो टू और थ्री का फिगर आएगा तो टू पॉइंट थ्री इंटू टेन के पावर थ्री अब देख लो भैया कौन सा ऑप्शन है बहुत बहुत खून जलाया इसने ऑप्शन ए तो देखिए भाई ऐसे ही करना था तो ये पेपर एक और आपके लिए किया बताते रहिए आपको कैसा लग रहा है कीप स्प्रेडिंग द चैनल हम कोशिश करेंगे कि इस यात्रा को आगे चलाते रहें थैंक्स फॉर लिसनिंग थैंक्स फॉर वॉचिंग थैंक्स फ़ॉर शेयरिंग हैव हैवे नाइस